मुनव्वर भाई ईमानदारी से, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, नमाजी बंदे हैं, लेकिन फिर भी कितनी बार आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी है? एक बार भी नहीं पड़ी, कसम ले लें, ये शाहजी से पूछ लें। अच्छा, एक बार भी डॉक्टर नहीं आया हमारी छत पे। अच्छा जी, जैसे नाखून भी आपने नंबर दिया था, हाँ, वो नाखून तराश करने के लिए, इनके खुर बनवाने के लिए जी जी वो बनवाए। अच्छा, इसके अलावा किसी किस्म कोई डिविडविंग कोई कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला का करम है, फजल है। जो तारे मिलेगा तेल होता है ना, ये जिल्द से कीड़ों को खत्म कर देता है जो जीवें पड़ती है इससे। इंशाल्लाह जैसे अब ये सर्दी आएगी ना, तारा मिला और हालो ये आटे के अंदर गूंद के दें इनको, जानवरों को, इनको जुए भी नहीं पड़ेंगे, अपने आप वो खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और मैं एक बार फिर आप देख रहे हैं मुनव्वर भाई को। अच्छा, ये पिछली वीडियो जो आपने मुनव्वर भाई की देखी, उसमें हमने मुनव्वर भाई का शौक भी दिखाया और उसमें कुछ सेल के जानवर भी थे। अगर आप कोई परचेज़ करना चाहें तो मुनव्वर भाई कह रहे हैं कि मैं सेल भी कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी वो सेल करते रहे हैं और उसी एक बकरी से उन्होंने 2.5 मरले का जगह भी खरीदी है, जो कि उन्होंने हिस्ट्री पूरी बताई पिछली वीडियो में, तो उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन आज की जो स्पेशल वीडियो है वो दिखाने का और बताने का जो मकसद है, वो आज आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी अगर आप स्किप करके चले जाएंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है कि भाई वंडा कहाँ से ख़रीदें और कहाँ से चारा पूरा करें। और मुनव्वर भाई के, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर जानवर माशाल्लाह 20 से 22 जानवर रखे हुए हैं मुनव्वर भाई ने, और वो सारे जानवरों को मैनेज करते हैं। किस तरह मैनेज करते हैं ये आपके सामने है, और अभी हम मुनव्वर भाई से पूछते हैं। मुनव्वर भाई, पिछली वीडियो में हमने आपका शौक तो सारा दिखा दिया, इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं हम दोस्तों की सहूलत के लिए और रहनुमाई के लिए बना रहे हैं, आपका सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद होता है हर वीडियो में कि लोगों को जो है फ़ायदा हो, सिर्फ जानवर ना दिखाना हो मकसूद हो, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो, कुछ फ़ायदा हो, ताकि लोग अगर वक्त देते हैं मेरे चैनल को तो उनको कुछ सीखने का और फ़ायदा भी पहुँचे। तो जैसे कि आपने ये पत्ते रखे हुए, मुझे ये बताएं कि इतना ये सारे जानवरों को मैनेज करने का राज क्या है? इनका राज यही है कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के जाता हूँ और दरख्तों के पत्ते तोड़ता हूँ, ठीक है, तोड़ के सारा दिन इनको पत्ते खिलाता हूँ, ठीक है। एक तो ये पैसे भी बच जाते हैं और माशाल्लाह आपने देखा कि मेरे जानवर भी माशाल्लाह तादाद में दिन ब दिन ज्यादा हो रहे हैं, और मेरा शौक मजीद ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मेरी जेब से पैसे नहीं निकलते और ना मैं ये वंडों के चक्कर में पड़ता हूँ, ठीक है। वंडे आपकी अपनी मर्जी है डालें, लेकिन अपनी कॉस्ट पैसे को बचाएं, ठीक है। पैसे बचेंगे आपका शौक चलेगा, ठीक है। सुबह थोड़ी मेहनत है, सुबह उठें जाके इनको पत्ते वगैरह डाल दें, छिलके वगैरह डाल दें, जो आपको फालतू चीजें मिलती हैं वो इनको डालें आप, अल्लाह ताला के फजल करम से एक तो आपका ये शौक चलेगा और जितनी महंगाई है, और ये नहीं होगा कि आपका शौक खत्म हो जाए कि आप कहें यार मैंने जानवर बेच देने जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वंडा डालें आपकी अपनी मर्जी है, हम किसी वंडे के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी प्रॉपर चीज है ना ये डालें, इससे आपका शौक भी चलेगा, आपके माशाल्लाह जानवर भी अपना ठीक रहेंगे, और दूसरी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, ये जानवरों को डालें पत्ते और मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला के फजलों करम से ये अल्लाह ताला ने बनाए इनके लिए हुए। अच्छा, इसमें कौन कौन से पत्ते हैं ज्यादातर? ये देखिए, ये बोर का पत्ता है, ठीक है, और ये पिपल है, ठीक है, और ये शहतूत भी है, ये शहतूत भी है, ठीक है, शहतूत भी है, शहतूत के पत्ते भी नजर आ रहे हैं कहीं कहीं तो मुझे। अच्छा, ये तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि हम जितना सादगी से अपने जानवरों को रखेंगे ना, इंशाल्लाह नफा भी उतना ही देंगे, जैसे कि मुनव्वर भाई ने बताया। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए मूसा तुम इस अपने लाठी से क्या करते हो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे मैं चढ़ाई पे चढ़ने के लिए सहारा लेता हूँ और इस आजे से मैं अपने पत्ते भी बकरियों के लिए झाड़ता हूँ। तो ये कुरान में भी ये चीज़ वाजह तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ने कहा था कि मैं इस आजे से, इस लाठी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। तो यहाँ पत्तों का जिक्र है, कुरान में भी है कि बकरियों की खुराक जो है वो पत्ते हैं, ना कि वंडे हैं। या मैं ये नहीं कह रहा कि वंडे ना दें, मैं किसी वंडे के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी TMR के खिलाफ हूँ, जो मर्जी आप डालें, सिर्फ महंगाई के दौर में बचत का जो फार्मूला है, मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ कि बचत का फार्मूला क्या है। वो ये है कि थोड़ा सा आप मेहनत करें, और जैसे कि मुनव्वर भाई माशाल्लाह, और 22 जानवर रखें, 20-22 जानवर, और छत पे देखें जरा आप, और कभी कभी कनक डालते हैं मेरे ख्याल से, कभी कभी डालता हूँ, हाँ, वरना रेगुलर यही मेरी चीज़ें हैं, हाँ, कभी कभी कनक डालते हैं वो, जो कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि कभी कभी ये होता है कि दिन में एक बार कभी कनक डाल दी थोड़ी बहुत, बाकी सारा देसी फार्मूला है,
और इस तरह से ये पत्ते लाते हैं, पत्ते लाके उसको काटते हैं और टोका भी नहीं लगा हुआ, खुद ही मेहनत करते हैं हाथ से काट के इनको डालते हैं। अच्छा मुनव्वर भाई, हम ऑफ द रिकॉर्ड काफी देर बात करते रहे तो आपने किस तेल का भी जिक्र किया था कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों के साथ भी, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि देखने वालों को फायदा हो। अब जैसे ये सर्दियां शुरू हो रही है ना, जी जी, सरसों का तेल ले लें, ठीक है, 2 किलो, ठीक है, उस पे आधा किलो तिलों का तेल और 1 पाव तारे मिरे का तेल, आधा किलो तिले का तेल और आधा पाव 1 पाव तारे मिरे का तेल, 1 पाव तारे मिरे का तेल, ये पौने तकरीबन बन जाता है, 4.25 किलो के, 3 किलो के करीब बन जाता है, ठीक है। इसको हांडी के ऊपर रखें, जब ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन, आधा किलो प्याज, ठीक है, और 50 ग्राम कलवंजी, ठीक है, और 50 ग्राम बड़ी इलायची काली, ठीक है, और 50 ग्राम काली मिर्च, ठीक है, ये इसके अंदर अच्छी तरह पका ले उस तेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये तेल से वो चीजें निकालनी नहीं है, रख लें, ठीक है। वो जो भी आप इनको ना फी जानवर के हिसाब से ना 30 ml, 30 ml बड़े जानवर को 30 ml के साथ ये पलाएं, इंशाल्लाह इनकी वाहीवादी भी खत्म होगी, जानवर के जोर भी मजबूत होंगे, जैसे आपने जो पिछली वीडियो में देखा जानवरों को, जी जी, और बकरा वो देखा संभाला नहीं जा रहा था, इंशाल्लाह इसको 30 ml तेल दें, ठीक है, और ये वाला तेल, ठीक है, इसकी वाहीवादी खत्म होगी और ये देखना कितना मजबूत होता है, ठीक है, और आपको ये दूसरी चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने खुद आजमाया हुआ, ये ठीक है, यानी कि आपको तकरीबन 13-14-15 साल मैंने खुद ये आजमाया हुआ, किसी उस्ताद के पीछे नहीं गया, क्योंकि ये गोश्त मसाले से बनता है, ठीक है, और ये चीजें जब मसाला इनके अंदर जाएगा तो ये देखना किस तरह बनता जानवर, जिससे ये पानी भी पीते हैं, सर्दियों में भी पानी पीते हैं, सर्दियों में भी पानी पीते हैं, यानी कि वो गर्म तेल है, यानी कि ये जो आपने तेल बताया ये सिर्फ सर्दियों के लिए बता रहे हैं, सर्दियों गर्मियों में जब देंगे ना तो तेलों का तेल निकाल दें, अच्छा, सरसों का और तारे मिलेगा बस, और बीच में से बाकी चीजें वही, बाकी चीजें वही, तिलों का तेल निकाल, तिलों का तेल निकाल, गर्मियों में देना हो तो, अगर गर्मियों में देना हो, ले जी ये भी आपको सर्दी और गर्मी दोनों का फार्मूला मिल गया, और मैंने हर वीडियो में कोशिश में यही करता हूँ कि आपको जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें कोई ना कोई फायदे वाली चीज़ हो, ताकि आप जो बहुत सारे शौक रखने वाले हैं उनके लिए डॉक्टरों के पास भागने के बजाय या परेशान हो जाते हैं, अगर आप अपने जानवरों को देसी तरीके से रखेंगे और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर बीमार ही नहीं होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटी सी बात बता दूं, जी जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हम कनक डालते हैं और जानवर हमारा होकता है, अच्छा, आप यकीन करें कनक के बीच में ना पनीर डोडे का इस्तेमाल करें, पनीर डोडा, हाँ, पंसारी से ले लें, एक मुठ तकरीबन है ना 1 किलो कनक के अंदर डाल के बकरे को दें या बकरी को दें, एक तो उनका हाजमा होगा, खुराक भी हजम होगी और वो जानवर होकेगा नहीं, ठीक, अल्लाह ताला के फजल करम से, सही है। दूसरा, अगर अक्सर लोग ड्राई वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, चवरगा ले लें, 120 रुपए की लीटर की बोतल मिलती है, अच्छा, हर चीज खिला के उसके घंटे बाद ना 30-30 ml 40-40 ml जानवरों को दें, ये इसको आसान उसमें बताएं ताकि जो समझने वाले हैं, ये क्या बताया आपने? चवरगा क्या होता है? पंसारी से मिलता है, वो पानी की शक्ल में होता है, ये हम जो बच्चे होते हैं ना छोटे, अर्क होता है वो, अच्छा, अर्क होता है, चारों अर्क उन्होंने मिलाए होते हैं, अच्छा, वो इसको चवरगा कहते हैं, हाँ, वो इंशाल्लाह इनको दें, इनका हाजमा भी दुरुस्त होगा, खुराक भी हजम करेंगे, ठीक है, और अल्लाह ताला के फजल करम से किसी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिस जानवर का जितना हाजमा अच्छा होता है ना वो उतनी अच्छी ग्रोथ करता है और अपना जो भी दोगे वो हजम करेगा, ठीक हो गया। तो ये जनाब, ये सारी आज जो वीडियो बनानी थी ना स्पेशल मुनव्वर भाई की, उसका मकसद भी यही था कि ये देख लें, कोई महल में नहीं रहते, ये छोटी सी छत पे छोटे से घर में हैं, और जानवर माशाल्लाह आपने देख लिए कि 20 से 22 जानवर ये अकेले संभाल रहे हैं और सारी मेहनत करते हैं, और जो चीज़ ये खिला रहे हैं इन्होंने आपके सामने रख दी है और इसका फार्मूला भी बता दिया है। और मुनव्वर भाई, ईमानदारी से, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, नमाजी बंदे हैं, लेकिन फिर भी कितनी बार आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी है? एक बार भी नहीं पड़ी, कसम ले लें, ये शाहजी से पूछ लें, अच्छा, एक बार भी डॉक्टर नहीं आया हमारी छत पे, अच्छा जी, जैसे नाखून, वो भी आपने नंबर दिया था, हाँ, वो नाखून तराश करने के लिए, इनके खुर बनवाने के लिए, जी जी, वो बनवाए, अच्छा, इसके अलावा किसी किस्म कोई डिविडविंग कोई कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला का करम है, फजल है, जो तारे मिलेगा तेल होता है ना, ये जिल्द से कीड़ों को खत्म कर देता है, जो जीवें पड़ती है इससे, इंशाल्लाह जैसे अब ये सर्दी आएगी ना, तारा मीरा और हालो ये आटे के अंदर गूंद के दें इनको जानवरों को, और इनको जुए भी नहीं पड़ेंगे, अच्छा, अपने आप वो खत्म हो जाएंगी, ये भी बड़ी जबरदस्त टिप दे दिया, तेल से वो जो पेड़ के कीड़े होते हैं वो वैसे निकल जाते हैं, सही है, यानी कि आप तो पूरे डॉक्टर हैं यहाँ, ये बस जानवरों ने बना दिया जानवरों, वैसे सही कहा किसी ने, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है, तो जितना आपने वक्त किया आप खुद उस्ताद बन गए,
तो और आप खुद किसी उस्ताद के पास नहीं जाने, अपने पैसे बचाएं, अपना शौक को ज्यादा करें, वो आपके काम आएंगे। आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं, जैसे मैंने कुछ बना लिया है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप ये वंडो वंडो के चक्कर में जाने, इनको 10,000 रुपए भी काम है दिहाड़ी का, सही है बिल्कुल। लेकिन अपने जहाँ से आपको कोई फालतू चीज मिलती है, जैसे छिलके वगैरह मिल जाते हैं, वो भी इनको डालें। खास करके मुझे वाई वादी मौसमी का फोग हो गया, वो हो गया, छिलके हो गए, ये पत्ते वगैरह हो गए, नाले अपना नमाज पढ़े, नाले बाहर जाके ये चीजें ले लें सुबह के टाइम। और सर्दियों में ये गाजर का वो फोग निकलती है, वो भी डालें, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मैं फिर एक बार बता दूं, मकसद किसी वंडा या किसी टीएमआर या किसी भी कंपनी के खिलाफ या हम वो मुहिम नहीं चला रहे, ना ही कोई मकसद है, सिर्फ ये कि महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में आप अपने जानवर या अपने शौक को कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे कायम रख सकते हैं, कैसे शौक को कायम रख सकते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद हुई होगी, और जिन्होंने एंड तक देखी होगी यकीनन उनको फ़ायदा हुआ होगा, और जो स्किप करके चले गए उनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो में कोई ना कोई आपको अच्छी चीज़ लेकर आऊँ और फ़ायदेमंद चीज़ लें। सिर्फ वीडियो बनाना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि बीच में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको फ़ायदा भी पहुँचे। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।